ना समझ रही है कि थक गया हूँ मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूँ मैं। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है झरिया में। वैसे झरिया में सियासी तूफान तेज है। अब तक बात हो रही थी कि मैदान में सिंह मेंसन वर्सेस रघुकुल की फाइट है, लेकिन फिर बीच मैदान में एंट्री हो गई अंसारी परिवार की और पारा हाई हो गया। लेकिन पारा कितना हाई हुआ है ये जनता बताएगी। और इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर झरिया में जो बदलाव की बात हो रही है, जनता कितनी रेडी है, ये सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चलिए कुछ लोग हैं उनसे जानना चाहूंगी, झरिया में किसकी लहर है। सर बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। क्या लग रहा है सर, पहले से पूर्णिमा मैडम विधायक है, कुछ लोग कहते हैं गरीबों की मसीहा है, कैसे देखते हैं मैडम? देखना क्या है, ये लोकतंत्र का पर्व है जी। और उस तंत्र में हर आदमी का भागीदारी है। हाँ। और हम लोग विकास के मुद्दा पे, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, ये सब पे लड़ेंगे और बहुत एकता के साथ, और हम लोग चुनाव जीत भी रहे हैं। विधायक मैडम के काम से आप लोग 5 साल कितने संतुष्ट रहे? मैडम पास हुई कि फेल हुई है ये तो जनता तय करेगी, फेल हुए हैं कि विकास हुए हैं। लेकिन आप लोग बदलाव के लिए रेडी हैं? हाँ, हम लोग बदलाव के लिए रेडी हैं। जयराम महतो में क्या उतनी काबिलियत है कि झारखंड के सीएम बन जाए? ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। और हो ना हो, हम लोग भी किंग मेकर के रूप में रोल करेंगे। तो मैदान में अंसारी परिवार जैसे ही आया, लोग कहने लगे कि कितना अच्छा शानदार फाइट था, कि सिंह मेंसन अनुकूल था, थर्ड नंबर वाले की एंट्री क्यों हुई, कैसे देखते हैं अंसारी फैमिली की एंट्री के बाद? हम पहले ही बताएं, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। अभी कुछ नहीं कहना है, वोट देकर के बताएंगे आप लोग। जी जी जी। सर क्या नाम हुआ? मोहम्मद आबिद अंसारी। वोट देने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, तैयार हैं। तो रागिनी मैडम, पूर्णिमा मैडम या फिर रुस्तम जी? रुस्तम जी। क्यों रुस्तम जी? मैडम पूर्णिमा मैडम विधायक रही हैं। रुस्तम जी मेरा दोस्त है, हम उसका जिगरी दोस्त हैं। जिगरी दोस्त है? जी हाँ, बचपन से पढ़े लिखे साथ में। तो मतलब दोस्त है, इसीलिए साइड देंगे कि कैंडिडेट भी अच्छे हैं? कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे। पूर्णिमा जी के समर्थक कहते हैं कि मैडम गरीबों की मसीहा है, आप लोग को भी लगता है मैडम मसीहा? जी गरीबों का मसीहा तो रुस्तम अंसारी है जी। जी कहीं भी फट कर सकता है, कहीं भी सब जगह, सब जगह, पूरे इलाका देखिएगा आप, हम लोग जीत रहे हैं। तो पूरा इलाका, कोई बीजेपी लहर नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, किसी का लहर नहीं है, लहर है ही नहीं किसी का। तो आप लोग बस कैंची छाप ही लहर है, तो कैंची चला देना, एकदम पूरा कैंची चला देना है। ठीक है, कुछ और भी लोग है। सर क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार। तो कैंची चलते कि नहीं चलते? पूरा चलते दीदी, पूरा झरिया में इस बार कैंची चलते, कैंची के अलावा कुछ ना चलते इस बार। तो कमल नहीं खिलते? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कैंची, कैंची के अलावा कुछ नहीं। पूरा हमने 3 साल 4 साल से मेहनत कर रही है दीदी जी, 4 साल से जी। इसी पार्टी में और पूरा जिंदगी इसी पार्टी में दे देना है। तो झरिया की विधायक है पूर्णिमा मैडम, उनसे क्या गलती हो गई? गलती पूरा गलती है, झारखंडियत के बारे में नहीं सोचती है जी, कभी नहीं सोची है, अपने आप की गुरूर में बहुत ज़्यादा रहती है दीदी, बता दे रहे हैं आपको जी। और भाषा आंदोलन, जब ये पार्टी की शुरुआत हुई थी यही भाषा आंदोलन से, ये भाषा आंदोलन इन्हीं के कारण हुआ था जी। इतनी मतलब कितनी मानसिकता है कि बोल रही थी कि हमारे लोग कहाँ जाएंगे, तो हम क्या अपना घर में उनको जगह देंगे क्या? तो इस बार बाहरी लोग ना चले? नहीं चलेगा, झारखंडियत की बात होगा इस बार, झारखंड में झारखंडियत की। तो सबको आरा छपरा बलिया भेज देना है? सबको, सबको भेज देना, और इस बार झारखंड में कैंची चलेगा, कैंची। मतलब रह सकते हैं लेकिन सत्ता में रह नहीं सकते हैं, लेकिन सत्ता में नहीं रह सकते, सत्ता में नहीं रह सकते नहीं। तो जयराम महतो जी को सीएम बनाना है? एकदम बनाना है जी, उनको सीएम बनाना है इस बार, 24 में चेंज होना चाहिए इस बार। तो सिंह मेंसन रघुकुल भी तो एकदम शानदार नहीं चलेगा, कुछ नहीं मसीहा, मसीहा कुछ नहीं है, झारखंडियत की बात नहीं करते हैं ये दोनों लोग, बता दे रहे दोनों एक ही है, दोनों एक सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहा है ये लोग
जी। दोनों अलग अलग पार्टी का टिकट ले लिए हैं जी। दो पब्लिक को गुमराह कर रहा बस और कुछ नहीं। तो बारी बारी से इन्हीं लोग आना जाना करता बस, बस 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 चेंज होना चाहिए झरिया में, कैंची चलेगा इस बार। अच्छा तो रुस्तम जी को जयराम जी जो है भरोसे पे टिकट दिए हैं जी हाँ। क्या लग रहा है कि भरोसे पे खरा उतरेंगे? एकदम उतरेंगे जयराम जी, सब कर रहे हैं एकदम प्रचार प्रसार पूरा मेहनत से लगे हुए हम लोग। तो इतनी बड़ी दो पार्टियों के बीच में रुस्तम जी एकदम चेंज होगा जी एकदम, आप देखते तो रहिए 23 तारीख को रिजल्ट में। रिजल्ट आएगा आप लोग के फेवर में? एकदम आएगा, एकदम 100% फेवर में आएगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो बस गलती है पूर्णिमा मैडम की, वो बाहरी है या फिर और भी कुछ गलती? बाहरी नहीं, उनका काम ही सही नहीं है। अच्छा मैडम का व्यवहार कैसा? लोग बोलते हैं मैडम अच्छे से बात नहीं करती। बात नहीं एटीट्यूड से बात करती है। जी हाँ, बात का एटीट्यूड है? पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है उनका, तो समझ में ही नहीं आता कि एटीट्यूड किस बात का है। कभी बोलते हैं कि हम अपने लोग को यहाँ जगह देंगे, कभी बोलते हैं यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, उनका खुद पता नहीं चलता है। दोनों भाभी को आप लोग नाराज करिएगा, पूरा पूरा नाराज, भाभी इस बार नाराज ही है। तो भाभी का दिल तोड़ देना है? दिल टूट गया है दोनों भाभियों का। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार तो द फॉलो अप के चैनल पे देख ही लिए होंगे आप लोग, उनका टाइगर बोल ही दिए हैं जी। और इस बार फिर झरिया में कैंची चलेगा ही चलेगा। चलिए कैंची छाप समर्थक है सर, भागना नहीं, आप बताइए क्या लग रहा है सर झरिया का चुनावी माहौल देख करके? बहुत अच्छा लग रहा है। जयराम जी की लहर है कि बीजेपी लहर है? जयराम जी की लहर है, पूरा झारखंड में लहर है जयराम जी की। तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि जयराम जी जीत हासिल करेंगे? बिल्कुल जीत हासिल करेंगे, वो जनता तय करेगी। तो रघुकुल और सिंह मेंशन से क्या गलती हो गई कि आप लोग? मैम कोई गलती नहीं, किसी से गुस्सा नहीं मैम, ये जनता तय करेगी कि हमको किसको क्या बनाना है, जनता का हाथ में सब कुछ है मैम। तो सत्ता में अगर बाहरी लोग आ गए हैं ये चीज जो है दिल दुखाता है? नो मैम, किसी से मतलब नहीं, हमें किसी से दिल तकलीफ नहीं है। रुस्तम अंसारी जी को टिकट मिला है, तो आप लोग प्रचार प्रसार कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम। तो जनता का रिस्पांस क्या मिल रहा है, लोग रिएक्शन? बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है कि इस बार बदलाव होगा पूरा झारखंड में, वकी झरिया नहीं पूरा झारखंड में बदलाव होगा, जो कि हमारे टाइगर सुप्रीमो में जो सबसे अधिक सीट भी झारखंड में है, और हर एक जगह से बदलाव होंगे। में जो लोग दारू मुर्गा पे वोट कर देते हैं, दारू मुर्गा नहीं चलतो इस बार झारखंड में, झारखंडी बस चलतो। तो कैंची चलतो? कैंची चलतो। कमल नहीं खेलतो? कमल तो अपना है, लेकिन हम लोग का टाइगर अपना है। टाइगर अपना बस, टाइगर जिंदा है, टाइगर अपने हैं। कुछ और भी लोग हैं सर, क्या खा रहे हैं सर? तंबाकू? हाँ हमको भी दीजिएगा क्या? खाइए खाइए, आप लोग भी खा सकते हैं। हाँ तो शरीर के लिए हानिकारक नहीं ना है? ना कौन सी होगा। अच्छा झरिया के लिए हानिकारक कौन है ये बता दीजिए? पूर्णिमा नीरज सिंह है मैडम, हानिकारक है एकदम। पर आप लोग के विधायक जी हैं, आप लोग करते गरीबों की मसीहा है, पूरे परिवार मिल करके उसको हम लोग जिताए जी, अपना घर का आटा गिल किए, लेकिन कुछ नहीं किया। तो अब अफसोस होता है कि गलत? बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। अच्छा। उनको मदद को भी हम लोग बहुत अच्छे किए थे, वो बढ़िया आदमी थे, ये बेकार आदमी। अच्छा तो मैं जो उनके हस्बैंड नीरज जी से इनका व्यवहार बहुत विपरीत है क्या मैडम का? उल्टा है एकदम। तो ऐसा क्यों हो गया शायद पति की हत्या के बाद? अब वही बताएंगे क्या हुआ, अभी तो कुछ होने नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं कभी ऐसे नहीं करती है। अच्छा तो ये जो रागिनी मैडम है, लोग कह रहे हैं कि झरिया में कमल खिला देंगे? कुछ नहीं, दोनों घराना एक ही है, एक ही हाँ एक ही है ये सब। तो मैदान में रुस्तम जी भी है, क्या लग रहा है जनता मदद करेगी, सपोर्ट करेगी? अब जो बिल्कुल हम लोग बदलाव हम लोग कर दिए हैं। तो जयराम जी की लहर है इधर? एकदम पूरा लहर है, पूरा लहर है। अच्छा सर झरिया की समस्या बहुत है, लोग पलायन बहुत कर रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, इतना ज्यादा डस्ट है, तो कभी मैडम जो अपनी ओर से जांच पड़ताल देखने समझने कुछ नहीं? ऐसे नहीं करते हैं तो जांच पड़ताल ही क्या करेंगे, पूरा साइडिंग लूट करके पूरा कोई खा गया। तो खोखला करने वाले यही लोग एकदम बर्बाद कर दिया, झंडा का पूरे बर्बाद ही कर दिए। पेंशन रघुकुल वाले कहते हैं हम लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं पेंशन वेंशन ये खाली हम लोग बनाए थे, सब लूट लाट के अपना बलिया लेकर चला गया। तो आप सबको हटाना है? आप जी इसको एकदम पार कर देना, आप जी नहीं रहेगा। खैर जनता पूरे तेवर में है, झरिया की तस्वीर है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
सारे जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभंकर दत्ता हुआ। बलिया वाले लोगों से नाराज क्यों है आप लोग? बलिया वाले से लोगों से नाराज इसीलिए कि वो लोग लूट के अपना बलिया लेके चल जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा जनता को। जो रास्ता बनाया है माननीय विधायक जी, वो रास्ता देखिए पानी भर गया है, वहाँ धान रोप रहे हैं लोग, रास्ता सुधर नहीं रहा है। मैडम को लोग गरीबों का मसीहा कहता है, बहुत दिलदार। कहाँ से मसीहा कहता है, स्ट्रीट लाइट सब खराब हो गया है, मैडम एक बार भी ध्यान नहीं देती है, मैडम को ध्यान देना चाहिए। अच्छा इधर आ जाएगा, लाइट सब चेहरे पे आ जाए। एक चीज मुझे बताइएगा, जयराम जी की लहर है कि झरिया में कमल खिलने वाला है? नहीं, जयराम जी की लहर है, रुस्तम भैया जीतेंगे, रुस्तम भैया जिंदाबाद। तो आप लोगों को रुस्तम जी पे क्यों इतना यकीन है? रुस्तम जी पे इतना यकीन कैसे? रुस्तम जी काम करेंगे हमारे झरिया के लिए, विकास के लिए। वो बोले कि आप हमको एक बार जगह दीजिए, मौका दीजिए, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का काम कैसे होता है, झरिया का विकास किसको बोलता है, झरिया का बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलता है, वो दिखाएंगे। झरिया तो वालों को मेंशन रखो, कुल से खतरा है? खतरा है, खतरा एकदम है, क्यों नहीं है, वो लोग अपना भरते हैं, अपना करते हैं। तो अब हटाने की नौबत आ गई है? एकदम हटाने के लिए नौबत आ गई है, जनता चाह रही है कि झरिया में परिवर्तन हो। धन्यवाद सर, आप देख रहे हैं लोगों का मिजाज है। सर बात कीजिएगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंटी अंसारी है। कैसा लग रहा है इस बार जो चुनाव में अंसारी परिवार की भी एंट्री हो गई है? बिल्कुल अच्छा लग रहा, होना भी चाहिए। तो JLKM ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, तो आप लोग कितने खुश हैं? हम लोग बहुत 110% खुश हैं। तो पूर्णिमा मैडम से क्या शिकायत है? शिकायत है कि कोई भी काम नहीं किया, 5 साल में सब चीज देख सकते हैं आप लोग कि विकास के नाम में कुछ भी नहीं है। अच्छा मान लीजिए पूर्णिमा मैडम जो है वो आप लोग को नहीं पसंद आ रही है, रागिनी भाभी जो है उनके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं? दोनों एक ही घराने से, दोनों अलग नहीं है। तो दोनों भाभियों को इस बार भगा देना यहाँ से? एकदम बिल्कुल, इसलिए कि परिवर्तन जो है समाज का प्राकृतिक नियम है। झरिया की जनता रेडी है? पूरा रेडी है, फुल सपोर्ट है, तब हम लोग आगे बढ़े। चलिए लोगों का रिएक्शन आपको दिख रहा है, झरिया की तस्वीर है। खैर नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन बदलाव की बयार जो है वो बह रही है, पर ये बदलाव किस ओर की है ये हम अभी नहीं कह सकते। नतीजा 23 तारीख को आने वाला है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम जरीना खातून। मैडम झरिया में जो विधायक है पूर्णिमा मैडम, वो इधर आती हैं? नहीं नहीं आते हैं। तो कुछ भी लोगों से मिलना जुलना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैडम के बारे में बोला जाता है कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है, अच्छे से बात नहीं करती। जी, नहीं बात तो पहले से ही ऐसा ही व्यवहार था कि अब हो गया है बदलाव? पहले से अब बदलाव हुआ, अब बदलाव हुआ। क्या कारण लग रहा है? हस्बैंड नहीं रहे इसलिए ऐसा हो गया? इसीलिए करके है, उसका हस्बैंड नहीं थे इसीलिए के एक बार उसको चांस दिया गया है। जी, और अब उस तरह का उसका ये नहीं है कि हम झरिया विधान से हम ये काम करें। तो JLKM से रुस्तम जी को टिकट मिला, आप लोग साथ दीजिएगा? एकदम सपोर्ट के लिए हम हमेशा हम साथ हैं। जी, और झरिया का जो रुस्तम अंसारी वो विधायक बनेंगे ही है, और हम उनको साथ हम देंगे। अच्छा ये जो JMM में है और रुस्तम अंसारी हमको बहुत अच्छा भी लग रहे हैं, अच्छा जी है भी। अच्छा JMM मैया सम्मान योजना दे रही है, आप लोगों को लाभ मिला है? लाभ मिला है, वही 1000 करके लाभ मिला है। तो ऐसा तो इसका पर हमको को भरोसा नहीं है कि ये लाभ हमको 5 साल और भी मिले जाए, जितने बाद ये हमको संभव नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को लाभ मिल रहा है तो JMM को ही वोट कर देंगे? नहीं, कांग्रेस को नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। तो आप लोगों को लग रहा है कि इस बार रुस्तम जी को मौका देना चाहिए? मौका देना चाहिए, एक चांस रुस्तम अंसारी को भी मौका देना चाहिए। झरिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है मैडम, कुछ बताइए? लोग कह रहे हैं कि बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, डस्ट बहुत ज्यादा है। डस्ट तो है बहुत, प्रोजेक्ट किया हर जगह, प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चे लोग का, डस्ट से एलर्जी वगैरह हो रही है? हाँ, हो रहे हैं। बड़े लोग का भी है, हार्ट का जो पेशेंट है उसका भी दिक्कत हो रहे हैं। चलिए जनता के मूड को आप देख रहे हैं, बदलाव की बात हो रही है। वैसे बदलाव का बयार जो है किस ओर बढ़ रहा है ये हम नहीं कह सकते। 23 तारीख को मतगणना जो है वो हो जाएगा, लेकिन आप बताइएगा झरिया पर आपकी क्या सोच है?